मसूरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली हमारे साथ मौजूद है। मैम, इस बार विधानसभा चुनाव में आप जा रही हैं, किन मुद्दों को लेकर जाएंगी? मुद्दे ये है कि हम लोगों ने जो पूर्ववर्ती सरकार, हमारी सरकार ने जो कार्य करा था, बस उसी पर इन लोगों ने कार्य करा और वो भी पूरा 5 साल में कार्य वो कंप्लीट नहीं कर पाए और आनन फानन में उन्होंने पूरा उसकी गुणवत्ता इतनी ख़राब की, वो जैसे पार्किंग का हो गया मसूरी का, वो पूरा ध्वस्त हो गया। तो हम लोग विकास कार्य हुआ, जैसे पानी हो गया और पार्किंग हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो ये सब चीज़ें लेकर जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोगों का ये है कि पर्यटक जो स्थल है, जो हमारा मसूरी विधानसभा में जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को, वो पर्यटक स्थल को हम और डेवलप करके और यहाँ पर रोज़गार का सृजन करेंगे। एक बड़ा सवाल मैम ये है कि गणेश जोशी जी कह रहे हैं कि 2017 में जिस मार्जिन से जीता था उसको बढ़ाकर 21,000 में करके दिखाऊंगा, लगता है कि वो मार्जिन बढ़ेगा या फिर इस बार मार्जिन घट जाएगा? बिल्कुल निसंदेह लोगों ने बिल्कुल मन बना लिया है भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का, क्योंकि इन लोगों ने जो वादे किए थे और जिस तरह से आप देख रहे हैं महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, तो इसको देखकर अब उनको पता चल जाएगा 10 मार्च को जब नतीजा निकलेगा, तो हमारी कांग्रेस की सरकार पूरे स्पष्ट बहुमत से आ रही है। मैम, एक सवाल और है कि क्योंकि पर्यटन स्थल है मसूरी और ये देखा जाता है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पर्यटक उन क्षेत्रों में आता, लेकिन रास्ते में जो रास्ता टूटता है, लगातार भूस्खलन होता है, उसका एक टेम्परेरी व्यवस्था की जाती है, परमानेंट व्यवस्था नहीं की जाती है, लगता है कि इसके पीछे सरकार की कमियाँ रही हैं? बिल्कुल कमियाँ रही है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 10 साल से क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर माननीय गणेश जोशी जी यहाँ पर भाजपा के विधायक हैं, मैं उनको बिल्कुल चेतावनी देती हूँ और चैलेंज करती हूँ कि आप एक भी अपना कोई नया कार्य बताइए जो आपने ये 10 साल के कार्यकाल में किया, और जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने कार्य किया, जो उन्होंने हमारी सरकार ने जो उद्घाटन किया था, शिलान्यास करा था, बस उसी पर कार्य हुआ, कोई भी एक नया कार्य नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल मैम, अगर आप जीतकर विधानसभा पहुँचती तो सबसे पहले क्या करेंगे मसूरी की जनता के लिए? मसूरी की जनता, उन्होंने हम लोगों को इतना, जो पिछले बार हम लोगों का मार्जिन बहुत कम रहा ऐसा नहीं है, पंचायतों के चुनाव में भी मैं इसी मसूरी की जनता के द्वारा मैं 5 बार चुनाव जीत कर आई हूं और धरातल से जुड़ी हुई हूं। तो अब विधायक जी तो यहां के है भी नहीं वैसे भी मूल रूप से, तो उनको हमारी इस क्षेत्र की पीड़ा क्या रहेगी, इसलिए वो कर नहीं पा रहे कुछ भी काम कि यहां का क्या मूलभूत सुविधाएँ, क्या यहां की समस्याएँ हैं। तो इस तरह से हम लोगों को सब पता है कि अब हम लोग को गली गली का पता है कि कौन सा अब पुस्ता बनना है, कौन से कहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, कहाँ पर बिजली नहीं है, तो ये सब हम जानते हुए हम सबको आश्वस्त करते हैं मसूरी की जनता को कि वैसे आप लोगों ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है, लेकिन आप हम पर भरोसा रखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो हर धर्मों की, हर वर्गों की, सभी महिलाओं की, सबकी भावनाओं की कद्र करती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ आप हमें कांग्रेस की सरकार प्रदेश में लाइए और हम आपके कोई सारे उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ गोदावरी थापली, जिन्होंने बताया कि गणेश जोशी ने पिछले 10 सालों में मसूरी में कोई काम नहीं किया, यदि उनको मौका मिलता है तो वो उसे आदर्श विधानसभा के रूप में बनाकर दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिस के साथ सुभाष कौर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, देहरादून।